सीएम जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनके पंचायत में शिविर लगे। सीएम जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में ना जाना पड़े, उनके पंचायत में ही शिविर लगे, पूरे अधिकारी और सरकार आए और जनता को लाभ दे। इसलिए आपके यहाँ सीएम जनसेवा शिविर लगाया गया है। इसमें जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को एक एक करके छांटेंगे और जितने पात्र हितग्राही है, चाहे वो राशन की योजना के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हों, चाहे वो सीएम और पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो, लाडली लक्ष्मी का लाभ हो, आवास की समस्या हो, जितने भी आवेदन आपके आए हैं ये सारे आवेदन छांटे जाएंगे और विभाग बार फिर छांट के जो जो पात्र हितग्राही है उन सबको लाभ दिया जाएगा आपके गांव में दूसरा शिविर लगा के। तो पहले शिविर में मैं नहीं पहुंच पाया, जो दूसरा शिविर लगेगा जिसमें इन आवेदनों को छांट के पात्र हितग्राही छांट के हम लाभ देंगे, उस शिविर में मैं जरूर आऊंगा और वहां अपने हाथों से कुछ लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं का लाभ वितरित करूंगा। आज चूंकि मौसम की प्रतिकूलता है इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कलेक्टर सहित जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, मंत्री जी वहां मौजूद हैं, वो सारे आवेदन उन्होंने लिए होंगे, छाटे होंगे और तत्काल जिनका लाभ देना है वो लाभ मेरी तरफ से रामकिशोर कांवरे नानू हमारे मंत्री वहां लाभार्थियों को हितग्राहियों को लाभ देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा जब शिविर लगेगा तब मामा स्वयं आएगा, आपके गांव में ही हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी करेगा और गांव की समस्याओं का समाधान भी करेगा। आज मौसम खराब होने के कारण आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं। मेरे प्रतिनिधि के रूप में मंत्री अभी आपके बीच रहेंगे, कलेक्टर और अन्य अधिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।